एक अजीब सा नशा था उसकी झूठी बातों में। वक्त गुजरता गया और हम आदी होते गए। जब दो लोग प्यार में होते हैं तो उस रिश्ते की नींव होती है भरोसा। अगर भरोसा खत्म तो रिश्ता खत्म। कुछ ऐसे ही हुआ सिंगर नेहा कक्कर और एक्टर हिमांश कोहली के रिश्ते में, और रह गई इन दोनों की प्रेम कहानी अधूरी। हिमांश ने डेब्यू किया था फिल्म यारिया से। इस फिल्म का गाना आज ब्लू है पानी पानी तो आपको याद ही होगा। इस गाने की शूटिंग पर हिमांश और नेहा की मुलाकात हुई थी पहली बार और दोनों दोस्त भी बन गए थे। धीरे धीरे दोनों की बॉन्डिंग बढ़ गई। फिर कुछ मीडिया इंटरेक्शंस में हिमांश कहते नजर आए कि उन्हें नेहा के साथ वक्त बिताना पसंद है। दोनों एक दूसरे के साथ और भी वक्त बिताने लगे थे। लोगों को इनकी ये केमिस्ट्री पसंद आने लगी और दोनों के रिलेशनशिप पर शक होने लगा। तब दोनों ने उनके रिलेशनशिप को बेस्ट फ्रेंड्स का टैग दिया। फिर दोनों को मौका मिला हमसफर इस गाने में फीचर होने का, और इस गाने में नेहा हिमांश की सिजलिंग केमिस्ट्री को लोगों ने दिया थम्स अप। इसी के बाद नेहा ने अपने सोशल मीडिया पर हिमांश के साथ एक फोटो डालकर लिखा था हमसफर। दोनों पब्लिकली एक साथ नजर आने लगे। दोनों ने उनके रिलेशनशिप को इंडियन आइडल के सेट पर कबूल किया जब हिमांश ने ऑफिशियली प्रपोज किया नेहा कक्कर को। पर किसे क्या पता था कि ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। दोनों के बीच इश्यूज बढ़ते गए। हिमांश नेहा को लेकर पॉसेसिव होते गए, वही नेहा को कंपैटिबिलिटी इश्यूज होने लगे हिमांश के साथ। दोनों के झगड़े शुरू हो गए और फाइनली दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया। इस ब्रेकअप को लेकर पूछे जाने पर नेहा ने एक इंटरव्यू में कहा, थैंकफुली उस रिलेशनशिप से मैंने मूव ऑन कर दिया है। मैं अभी भी बहुत खुश हूँ। मुझे ये एहसास हुआ अभी कि मेरी फैमिली ज्यादा डिजर्विंग है। जो भी हुआ मैं उसे खुश हूँ, क्योंकि उस ब्रेकअप के बाद मुझे मेरे परिवार वालों का इम्पोर्टेंस समझ में आया। इस बुरे एक्सपीरियंस के बाद प्यार पर भरोसा नहीं रहा। अब मैं अभी खुश और सिंगल हूँ। हाँ, मैं डिप्रेशन में थी, थैंक्स टू ऑल नेगेटिव पीपल इन द वर्ल्ड। मेरी जिंदगी के सबसे खराब टाइम से गुजर चुकी हूँ मैं। रिपोर्ट्स की माने तो ब्रेकअप के बाद नेहा डिप्रेशन में चली गई थी और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उनको खुद को संभालने के लिए। इसी दौरान खबरें ये भी आ रही थी कि इंडियन आइडल के स्टेज पर जब एक कंटेस्टेंट ने इमोशनल गाना गाया तब नेहा कक्कर का इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था। ये सब देखकर लोगों को ये लगने लगा था कि हिमांश की वजह से ये दोनों अलग हुए हैं। वहीं जब हिमांश से इस बारे में एक वेबसाइट ने बात की तो सुनिए उनका बयान, कोई भी रियल स्टोरी नहीं जानना चाहता और मैं विलन बन गया था। ये बहुत ही अपसेट करने वाला था। मैंने कुछ नहीं कहा और लोगों ने नेहा की बात सुनकर मुझे जज कर लिया। वो टीवी पर रोने लगी और सभी ने विश्वास कर लिया और मुझे ब्लेम किया। मैं भी रोना चाहता था। मुझे कभी मेरे और नेहा के ब्रेकअप के बारे में बात करने की जरूरत नहीं लगी। जो होना था वो हो गया। मैं उस चीज को अब बदल नहीं सकता। आई रिस्पेक्ट एंड विश बेस्ट फॉर नेहा। वो बहुत अच्छी इंसान है, उसे जिंदगी की सारी खुशियाँ मिले। मेरी यही दुआ रहेगी। जब हिमांश से उनके ब्रेकअप का रीजन पूछा गया तो सुनिए उनका जवाब, उस वक्त बहुत चीजें हुई लेकिन मैं इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहता। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, इसलिए हम सहमति से अलग हुए। उसने मूव ऑन करने का फैसला लिया और मैं इसकी इज्जत करता हूँ। हिमांश के इस इंटरव्यू से नेहा का गुस्सा भी नजर आया, जहाँ नेहा ने कहा, अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मैं आपके माता पिता बहन सभी की बातों को सामने लाऊंगी और सबको एक्सपोज करूंगी, इसलिए मेरा नाम यूज करना बंद करो। नेहा ने क्या कुछ लिखा अपने सोशल मीडिया पर आप भी देखिए। अपने इस पोस्ट में नेहा ने हिमांश का नाम तो साफ साफ नहीं लिखा है, पर इस पोस्ट के कुछ ही घंटे पहले हिमांश ने नेहा पर स्टेटमेंट दिया था।
तो फैंस ने इस पोस्ट को हिमांश से जोड़ लिया। और वाकई नेहा का ये पोस्ट अगर हिमांश के लिए था तो उनके पास बहुत सारी चीजें हैं हिमांश के अगेंस्ट बात करने के लिए। वेल, इस अगली ब्रेकअप के बाद नेहा ने मूव ऑन कर लिया है, वहीं हिमांश भी काम पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इंडियन आइडल के लास्ट सीजन में नेहा और आदित्य नारायण की मेकर्स ने ऑन स्क्रीन शादी भी करवा दी थी। नेहा और हिमांश की इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, अपने लाइक्स और कमेंट्स द्वारा हमें बताइए। तब तक देखते रहिए टेली मसाला।